दोस्तों, क्या आप जानते हैं डाइटिंग का असली मतलब सही और अच्छा खाना होता है, ना कि भूखे रहना। कुछ लोग डाइटिंग का मतलब गलत सोच लेते हैं और खुद को भूखा रखकर नुकसान पहुंचा लेते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग कई साल पहले महाराष्ट्र की परंपराओं के मुताबिक लोग मरे हुए व्यक्ति को अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड के मौन जिले में एक ऐसा गांव है जिसका आधा हिस्सा भारत में है और आधा हिस्सा म्यांमार में है। इस गांव का नाम गोंगवा है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की आधी आधी नागरिकता प्राप्त है। इस गांव में कुछ घर ऐसे भी बने हुए हैं जिनका किचन तो म्यांमार में है और उनका बेडरूम भारत में है। कहने का मतलब यह है कि ये लोग खाना म्यांमार में बनाते हैं और भारत में आकर आराम करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत आने वाला पहला जहाज अंग्रेजों का था, जिसे रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खरोष्ट लिपि एक ऐसी लिपि थी जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बोली जाने वाली हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लायर्ड बर्ड संसार में सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह पक्षी नकल करने में बहुत ही माहिर है। यह पक्षी दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की आवाज़ की भी नकल बड़ी आसानी से कर लेता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यदि कोई इंसान अपने पूरे जीवन काल में दाढ़ी न कटवाए तो यह 13 फीट तक बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रीक और बुल्गारियों में एक युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था क्योंकि एक कुत्ता उनका बॉर्डर पार कर गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुत्ते और बिल्लियाँ भी मनुष्य की तरह लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।